मेरी तरफ से सब देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और शालोम। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत, वहाँ पे आपको तमाम धर्मों के, तमाम मजहबों के मानने वाले मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सारी ग्रीटिंग्स इस्तेमाल की हैं। और शीरिन जी ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, मैं उसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ। और अपने इनकिसारी के इजहार के लिए मैं सिर्फ एक शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कई काफिले हैं जो गुजरे इधर से, कई काफिले हैं जो गुजरे इधर से, उठाया ना फिर भी मेरी खाक ने सर। हैरत में हूँ ये कि आखिर खुदाया, बेदस्त तो पा मैं कहाँ रह गया हूँ। और आज का टॉपिक, जैसा कि अभी शीरी ने तफसील से आपको बताया, इसको सूफी टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं सुलह कुल। सुलह कुल या संपूर्ण शांति और आश्ति, अमन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसकी इस दुनिया को बहुत सख्त जरूरत है। और इसी ताल्लुक से मैं 2-4 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, सुलह कुल क्या चीज़ है। और तो मुझे इस सिलसिले में एक 12th सेंचुरी के अंदलुसिया, स्पेन के बहुत महान, बहुत बड़े सूफी शेखुल अकबर, उनको कहा जाता है द ग्रेटेस्ट मास्टर, उनका नाम था मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी नज़म लिखी है, अरबी में है, मैं आपको उसका तर्जुमा सुनाऊंगा। लकत सारा कल्बी कुल्ला सूरतिन, मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में। मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में, चरागाह बन गया है ये गजालों की, और दैर एक ये बन गया है राहिबों का, और एक मंदिर बुतों का जहां बजता है नाकूसे मोहब्बत, और काबा ताइफों का। कभी तो कतबे तौरात है ये और कभी मुसहफ कुरान का। मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में। और ये सुलह कुल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले से मौजूद है। और ये जो सुलह कुल का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप अपने जहन में वृंदावन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ले आइए। और वृंदावन आप सब लोग जानते हैं कि कहाँ पे है और वृंदावन की एसोसिएशंस क्या हैं। तो श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा से उसका गहरा ताल्लुक है। और वृंदावन जो है एक आर्कीटाइप है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति और अमन, भाईचारगी, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। और ये एक इंडिया का आर्कीटाइप है, इंडिया का एक सिंबल है जिसने सारी दुनिया को अमन और आशती का पैगाम आज से हजारों साल पहले दिया था। और इसी सिलसिले में मैं मीराबाई की एक बड़ी मशहूर कविता है भक्ति, उसकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ और उसको आप पसंद करेंगे, बहुत आसान है। ये जो है वृंदावन की जो एटमोस्फियर थी उसके बारे में है। याद आवे वृंदावन की मंगल बेला, याद आवे वृंदावन की मंगल बेला, याद आवे कृष्ण कन्हैया, छैल छबीला सखियन के संग घाट पे जाना, निर्मल यमुना नीर नहाना, सब मिलकर। तो ये मैंने आपको शुरू का सुनाया और इसको सुब्बलक्ष्मी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है, तो आप इसको YouTube पे सुन सकते हैं। और जब बात वृंदावन की चली है और जब कृष्णा जी की बात चली है, तो कृष्णा जी की जो एसोसिएशन है वो बांसुरी से है। और इस पे मुझे याद आया कि
एक और बहुत बड़े फारसी के शायर थे जलालुद्दीन रूमी, 12th century। तो रूमी की एक बहुत मशहूर पोएम है, वो इंट्रोडक्शन है उनकी मसनवी का, और उसका टाइटल है नए की शिकायत या कहानी। तो नए जो है रीड फ्लूट को कहते हैं। तो बेशनो अज नए चुन हिकायत मी कुनत, अज जुदाई हा शिकायत मी कुनत। तुम जो है रीड फ्लूट अपनी जो कहानी सुना रही है उसको गौर से सुनो, इस कहानी में जुदाइयों की और बिछड़ने की और मिलने की कहानियां हैं। तो ये जो रीड फ्लूट है और कृष्ण की जो बंसुरी है, तो जब ये बजती थी तो सारी इंसानियत को अमन और मोहब्बत का पैगाम देती थी, और जिसको सुनकर सब जो है मस्त और मगन हो जाते थे। तो ये जो इसका ताल्लुक जो है, ये हमारा जो दिल है, इंसानी दिल, इंसानी हार्ट, उससे है। और इंसान जो है वो भी अपनी ओरिजिन से जुदा हो गया है, अपनी असल से जुदा हो गया है, क्योंकि इंसान का जो ओरिजिन है, उसका जो एसेंस है, उसके अंदर जो एक स्पार्क है, वो जो है डिवाइन है। अमन के लिए हम सबका साथ जरूरी है। ये प्रोग्राम आप तक लेकर आई है शांति शिक्षा पर काम करने वाली संस्था पीस विजिल। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप सुलह कुल के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको एक डिटेल्ड प्रोग्राम मिलेगा जिसका नाम है पोएट्री अगेंस्ट हेट, या नफरत के खिलाफ कविता या शायरी।